वही के शासकीय महाविद्यालय की स्थिति दयनीय बनी हुई है। महाविद्यालय में बच्चों को बैठने के लिए टेबल कुर्सी सहित ऑफिस की टेबल कुर्सियों की स्थिति इतनी खराब है कि वे बैठने लायक नहीं है। वहीं कमरों में लगे मकर जाले और गंदगी कह रही है कि जिसे सालों से साफ नहीं किया गया है। साथ ही कमरों की खिड़कियाँ गायब हैं। इस कॉलेज में लगभग 1200 विद्यार्थियों के साथ स्टाफ के लिए व्यवस्थाओं का अभाव है। इस मामले पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने पीके मिश्रा ने कहा कि इन सभी के लिए हमारे पास कोई फंड नहीं है और कई वर्षों से महाविद्यालय की स्थिति बहुत दयनीय है। इतने वर्षों में बिल्डिंग के रखरखाव संबंधी कोई फंड नहीं दिया गया है। हाल ही में जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष ने पद किया है, जिसके बाद उन्होंने महाविद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाविद्यालय की स्थिति अत्यंत दयनीय है। बच्चों को बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर नहीं है। साथ ही महाविद्यालय भवन खस्ताहाल स्थिति में है। कई वर्षों से महाविद्यालय की पुताई व मरम्मत का कार्य भी नहीं हुआ है। पदभार ग्रहण किया है, जल्द ही महाविद्यालय की स्थिति में सुधार होगा। साथ ही नवीन महाविद्यालय भवन का कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। यहाँ की स्थिति है, वास्तव में आज देखी हमने तो बहुत ही दयनीय। करीब 4-5 साल से तो कॉलेज पुता नहीं है, लेकिन ये है कि अब हमने पदभार ग्रहण किया है और वहाँ का जो भी जीर्णोद्धार होगा, वहाँ बैठक लेके और साफ सफाई वो पुताई का भी करवाएंगे। पुताई भी होना चाहिए, नई बिल्डिंग का भी पैसा आ गया है तो उसका भी भूमि पूजन होगा, टेंडर होके भूमि पूजन होगा।